मैंने देखा है लड़के, और छोड़ो क्रिकेट तो खैर है ही फेमस, सानिया ने इंडिया में जितना टेनिस को पॉपुलर किया, नहीं तो आप देख लो बड़े बड़े लोग भी ना ज्यादातर वो आराम पसंद गेम खेलना शुरू करते हैं, जैसे गोल्फ नाम की एक चीज देखी होगी आपने, मुझे आज तक नहीं पता चला वो गेम है क्या। चार चार बड़े बड़े लोग ना जमीन में इकट्ठा करके खुद ही बॉल डाल के डेढ़ डेढ़ घंटा खुद ढूंढते रहते हैं, समझ में नहीं आता कि क्यों कर रहे हो, दो चार घंटे ढूंढते हैं नहीं मिलती फिर दूसरी निकाल के लग जाते हैं। गोल्फ वो खेलता है, आई लव गोल्फ, पर गोल्फ वो खेलता है जिनको और कोई गेम आती नहीं होती, ये वो लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि इनके नीचे पैर भी हैं क्योंकि पेट इतना बड़ा होता है, जब थोड़ी बारिश होती है इन लोगों के पैर गीले नहीं होते। तो बड़ी सारी गेम्स हैं और हर गेम का एक अपना महत्व है, आजकल तो यू नो इंडोर गेम्स ही रह गई है, पहले होता ही नहीं था, पहले आप देखो पहले जो बच्चे होते थे मजबूत क्यों होते थे, आजकल छोटे छोटे बच्चों को स्पेक्स लग रही है, क्यों लग रही है, क्योंकि आउटडोर गेम्स ही खत्म हो गई है, खेलते ही नहीं है लोग, घर पे ही कंप्यूटर में बैठे बैठे चार साल के बच्चे को स्पेक्स लगी होती है, वो गूगल पे सर्च कर करके एक दूसरे की ऐसी कैसी कर रहे हैं, फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, ये सब चीजें आ गई और भी बहुत सारी चीजें। हाँ जी आप ही का है ना, किसी और का तो लेके जा रहे हैं। अच्छा लगता है ये सब चीजें देख के, और देश ने इतनी तरक्की की है, हमारे देश ने, मेरे फादर साहब पुलिस में थे, मेरा भाई पुलिस में है, मेरी माँ चाहती थी जो मेरे फादर साहब का देहांत हुआ कि मैं भी पुलिस फोर्स ज्वाइन करूँ, लेकिन भगवान ने कुछ और ही लिखा था मेरी किस्मत में कि नहीं बेटा तू मेहनत करके खाएगा, मतलब और फील्ड में एक तरह की ड्यूटी लगवाई होती भगवान ने। सो अच्छा लगता है कि देश तरक्की कर रहा है और उन सब में आप सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। ये तो कुछ साल पहले ना हमारे दिलों में एक चीज घर कर गई थी कि हम लोगों ने किया ही कुछ नहीं है, जो किया अंग्रेजों ने किया है। मैं बताता हूँ अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया, अंग्रेज लोग बेसिकली जुगाड़ू होते हैं, ये लोग क्या करते हैं लाइम लाइट में आना जानते हैं कि क्या काम ऐसा करें जिससे हम लाइम लाइट में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल एक गोरे ने तैर के इंग्लिश चैनल पार कर लिया, बाहर कितना बड़ा समंदर है, हम लोग नहीं करते, हम क्यों निमोनिया कराए दिसंबर में तैर के, हम लोग उन चीजों में ध्यान नहीं देते। एक गोरा बाहर से आया हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ गया, हमारे घर में हम लोग नहीं चढ़ते, हम आलस कर जाते हैं कि चढ़ जाएंगे खा पी के, ये कौन सा पिघली जा रही है, तो हम लोग बेसिकली आलस कर जाते हैं। अदरवाइज रिकॉर्ड बनाने में तो इंडियंस का कोई मुकाबला ही नहीं है। और मेरी तो गोरे लोगों से बहस होती, मैंने कहा आप लोग एफर्ट्स करते हो रिकॉर्ड बनाने के लिए, हमारे ऊपर ऊपर वाले कितनी कृपा है हमें पता नहीं चलता, कभी कभी हमारे रिकॉर्ड बन जाते, जाने अनजाने में बन जाते। अब आप देखिए सबसे लंबी मूंछों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है, राजस्थान के हैं कोई भाई साहब, सबसे लंबे नाखूनों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है, हरिद्वार में कोई संत जी हैं उनका है, हमने कुछ नहीं किया, हम काटना भूल गए तो हमारा नाम गिनीज बुक में आ गया है। उल्टा जब हम लोग इंटेंशनली रिकॉर्ड बनाने जाते हैं तो फिर हमारा काम खराब होता है। क्या होता है, एक मैंने जी टीवी पे एक प्रोग्राम देखा शाबाश इंडिया करके, काम में मैंने देखा अजीब अजीब रिकॉर्ड बना रहे लोग, करने पे पता नहीं क्या क्या करते हैं इंडियन लोग, मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है, और जो होस्ट है बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है देखिए कितना बहादुर आदमी है, मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है। मैंने कहा इसमें काहे की बहादुरी है, खुद भी तंग हो रहा है सांप को भी तंग कर रहा है, बहादुरी तो सांप की हुई ना जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ के बाहर आ रहा है। आप खुद सोचिए, मैं तो कहता हूँ शुक्र है भगवान का सांप रास्ता नहीं भूल गया, किसी और रास्ते से बाहर आता लेने के देने पड़ जाते। बेसिकली तो बड़े बड़े शहर यहाँ पे सब लोग बिजी होते हैं, किसी को पूछ लो आप सब लोग बिजी हैं, कहां से आ रहे हैं, आई एम कमिंग फ्रॉम बिजनेस मीटिंग, व्हेयर आर यू गोइंग, गोइंग फॉर अ बिजनेस मीटिंग, व्हाट आर यू डूइंग इन इवनिंग, आई हैव अनदर बिजनेस मीटिंग, बिजनेस 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 लगे हुए धड़ाधड़। एक मेरा शहर है अमृतसर जहां से मैं पला बड़ा हूं, किसी को पूछ लो क्या करते हो, काम ही कोई नहीं किसी को, कहां से आ रहे हो भाई खाना खा के, क्या खा रहे हो खाना खाने, शाम को क्या करो खाना खाएंगे, मैंने कहा रात को सो जाएंगे सारा दिन खाना भी नहीं खा सकते। आपकी शादी हुई नहीं अभी, है जी नहीं हुई है, तो कब कितनी एज हो गई, 25, कब करने चाहते हो, जब होगी तब, जब तक बैचलर है और जिंदा है तो मजे ले ले, जिंदा है मतलब शादी के बाद तो एक एंड हो जाता है ना, दिल करता है शादी करने का, हाँ आदम जात हटेगी नहीं, खुद ही बोल रहे नहीं नहीं तब तक मजे ले ले लाइफ के, तो उसके बाद दिल भी करता है शादी करने का। चलो कैसी लड़की चाहिए आपको, क्या नंबर से गुड नेम, अंकित, अंकित कैसी लड़की चाहिए आपको, यहाँ पे बहुत पंडाल कर रहा हूँ यहीं से ढूंढ देता हूँ आपको, कैसी कैसी लड़की चाहते हैं आप, जो
जो मेरे साथ कंफर्टेबल हो, आप ही के साथ होगी, आपकी बीवी किसी और के साथ कंफर्टेबल होगी, कंफर्टेबल तो हो जाती है। तो पहले जो प्री प्रोडक्शन मतलब कैसी होनी चाहिए, मतलब मेरे को कभी कभी ना वर्ड चूज करने में प्रॉब्लम होती है, तो वैसी कैसी होनी चाहिए, घरेलू वर्किंग वुमेन कैसी वर्किंग, क्या किस तरीके की वर्किंग, एनीथिंग इज फाइन, कुछ भी करती हो, स्मगलिंग करती हो, चले स्मगलिंग करती हो, फिर किस तरीके का वर्क चाहते हैं आप, कॉपरेट करें आपके साथ के, अच्छा कॉपरेट में, अच्छा आप क्या काम करते हैं, कितने से, मैं आप जहाँ से आए हो एयरपोर्ट, आई टेक केयर ऑफ द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट का ध्यान रखते हैं आप, लक्ष्य मीडिया से हूँ, कहाँ पे बैठते हैं एयरपोर्ट रनवे पे, कहाँ पे बैठते हैं आप, ऑफिस का बाजू में ही ऑफिस बैठे बना के दिया है जेएमआर वाला, तो वहीं बैठ जाते हैं हम लोग, तो आप ध्यान रखते हैं एयरपोर्ट का, किस तरीके का ध्यान, मतलब कि जहाज साफ सुथरे हैं कि ना, वहाँ पे जो आप एडवर्टाइजमेंट करते हो हम उसका ध्यान रखते हैं, वो पूरे हमारे यूनिट से, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होती है, किस तरीके की, मतलब आउटडोर मीडिया आपका, जैसे होर्डिंग्स और लगे हुए हैं सिटी में, अगर एयरपोर्ट पे लगाने रहते तो आप आओ, आपके ऑफिस हमें पूछ लेते, अरे तो कितने साल से आप एयरपोर्ट पे लगे हुए हैं, एक साल हो गया अभी, तो कोई एयर होस्टेस नहीं पसंद आई, नहीं आना जाना रेगुलर नहीं होता ना, सिटी में भी तो आना पड़ता है काम के लिए, अरे वहाँ पे काम छोड़ के सिटी में आते हैं आप, हाँ तो सेल्स है तो मीडिया में भी तो आ रहे, मार्केट में भी तो रहना पड़ेगा ना, लोगों से मिलने हैं, काफ़ी बिजी हैं आप, यहाँ पे शो देखने तो आ ही गए, वो तो अच्छी बात है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू डियर, चलिए भगवान करे आपको अच्छी वाइफ मिले, आपको पता है आप भगवान का शुक्र किया करें कि आप 2013 में हैं, तो अभी आपकी शादी नहीं हुई है, नहीं तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, थैंक यू अंकित, यहाँ पे कोई है जिनकी 35 साल से ऊपर हुई है शादी को, आप हैं मैम, 35 हो गए आपको क्या, फिर भी इकट्ठे बैठे हुए हैं, देखिए ये कितना ऊपर वाले का, मैं ऐसे ही क्योंकि मैंने टीवी पे हम लोग ये सब करते रहते हैं, लेकिन बहुत कम मौका मिलता है लोगों से लाइव बातचीत करने का, हाँ भाई मैम, मेरे को शादी करके 36 ईयर्स हो गए, भाई साहब योर हस्बैंड, ये मेरी पार्टनर है, क्या बिजनेस शुरू किया आपने कोई, तो सर 36 साल में आपकी लव मैरिज हुई थी कि अरेंज मैरिज, पहले तो लव मैरिज होती नहीं थी, आजकल ही आई मार्केट में, अरेंज मैरिज, आपने मैडम को देखा था पहले, हाँ जी, बड़े चालू निकले आप, झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे देखा है, ये कह रहे नहीं देखा है, सर किसको देखा था और क्या हुआ, मेरे सारी बात क्लियर करें जरा, इसको देखा था, मैडम तो कह रही देखा नहीं था, मैडम बताइए, एक्चुअली हमारे मम्मी पापा ने मना कराई थी शादी, पर जब ही मैं दैट टाइम आई वाज 18 इयर्स, मैंने मम्मी को बोला था मैं छोटी हूँ तो मुझे एक थप्पड़ मारे, उसने बोला कि लड़का अच्छा है, कोई आदत बुरी नहीं है, इससे ही शादी कर लो, मगर ठीक है पहले तो जैसे आप बोल रहे फैमिली देखते थे, माँ बाप तय करते थे, तो हमारे भी माँ बाप ने तय किया भाई आपको शादी करनी है तो इन्हीं से करनी है, नहीं देखा था, फिर आप क्यों कह रहे हैं आपने देखा था, आप फोटो में देखा था, उस टाइम फोटो में भी दिख जाए काफी होता था, ये बड़ी बात है, चलिए अच्छी बात है सर, 35-36 साल बाद भी आप अगल बगल बैठे हुए, जी जी बिल्कुल मैं खिंचवाता हूँ फोटो, मैं अभी दो मिनट में ये कदम कर लूँ, हाय कैसे हैं आप, हाय थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे, इतना प्यार करते हैं आप, इतनी लंबी उम्र दे सारी दुनिया चली जाए, अकेली घूमती फिरती रहो, कहाँ जा रहे थे सबसे बताना, क्या साजिश रच रहे आप, रोज भी नहीं, कहाँ जा रहे थे, बाथरूम तो आता रहता है रोज, मैं तो कभी जाऊंगा, ये सबसे डर गए, बाथरूम तो रोज ही जाते हैं, उसमें कोई नई बात थोड़ी ना करने जा रहे, कितना देर रोज, तब से दो तीन दिन से नहीं किया क्या, तो आपको भी साथ में आया है, इन्हें दोस्त है, हाँ दोस्त साथ में आता है, थ्री इडियट्स है, चलो चौथा आपके साथ खड़ा हो गया, तो आपको भी सर साथ में आने का मतलब क्या, मैंने लड़कियां सुनी थी कि जब मौसम जाते हैं एक दूसरे फ्रेंड्स को ले जाते, चलो लेट्स गो, तो लड़कियां मैंने पहली बार देखा है, आपका मतलब आप पढ़ते हैं साथ में, क्या करते हैं जॉब करते हैं, मेरे को मेरी ड्यूटी देता है, यूनियन के अकेला अकेला जाते तो करने नहीं देते वो लोग, मतलब आप बैठते हैं थोड़ी देर, कहाँ करना आप भी बैठे, आप तो करके बैठे, तो हैं
इसके पीछे क्या रीजन है, मतलब तीनों को एक साथ कैसे, इसे यूनिक थी ये फिल्म। आप बैठे, आपसे बात करना था इसलिए कैसे भी आप बुलाएंगे बोल के। ये बेइज्जती थोड़ी ना होती, अगर हम लोग दो बातें कर रहे हैं तो सिर्फ 10,000 लोग हंस रहे तो क्या बुरा है, मजा आ रहा है यहाँ पर आपको तो भाई आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है आपका प्रेशर ज्यादा है। तो आप पहले करके आप घर से करके आते, घर में ऑलरेडी करके आए, दिन में कंप्लीट फोटो कितनी बार करते हैं, आप तो पहले निकलो, पता आपका काम खराब लग रहा है मुझे, पापा देखभाल करते हैं आपकी, क्या करते हैं आपको, नहला धुला के पाउडर डालते क्या आपको, क्या सुपरस्टिशियस है आप, ये पकड़ लीजिए आपके बाबा जी क्या करते हैं, माइक इधर रखो, ऊपर रखते हैं इसको नाक के पास, आपको आवाज आ रही होगी भाई, असली बात बोलो उनको, हेलो पुलिस पुलिस का चक्कर तो नहीं है ना, हेलो जी हाँ भाई और बहनों आपके सामने अच्छा तो आप चाहते हैं कि मेरे शो में मेरे घर पे बच्चा नहीं हो रहा तो आपके बाबा के पास जाऊं, दिखाइए लाए अपने लिए मेरे पे डाल रहे हो अभी, आपको कैसे पता था मैं आपको रोकूंगा, हमारी बातचीत होगी और आप क्या है क्या ये बच्चा ये तो मलट्ठी है, ये तो इससे तो कब्ज दूर होती है, आपको क्या प्रॉब्लम है कोई, जाओ भाई आप करके आओ पहले, पता क्यों वो चीज आपके दिमाग में चढ़ रही है उसकी वजह से, गुड लक।